वेलकम टू अवर चैनल। आज हम रिव्यू देने वाले हैं ऑल न्यू ग्रैंड विटारा का, और ये अल्फा वेरिएंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर और जो ज़्यादा एट्रेक्टिव जो चीज़ है आपके सनरूफ के बारे में, जो पैनोरामिक है और बहुत अच्छा लुक आता है इसका। और साथ में आप 360 डिग्री कैमरे के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करता है, और प्लस इसमें स्मार्ट हाइब्रिड कैसे काम करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं आप सबसे पहले देख रहे होंगे तो इसमें देखिए सुजुकी का बहुत बड़ा लोगो आ जाता है। साथ में देखिए ड्यूअल क्रोम आपको फिनिश मिल जाती है, ग्रिल मिल जाती है, वो पियानो फिनिश में है जो काफ़ी अच्छा लुक देती है क्रोम के साथ। और देखिए नीचे आपका स्क्रीन प्लेट मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपका फोक का भी काम करता है, मतलब ड्यूअल काम कर रहा है, एक तो आपका फोक का काम और हेडलैम्प का काम। तो साथ में आपको जो ये टर्न इंडिकेटर जो दिए गए वो एलईडी में दिए गए, जो आपका डीआरएल का भी काम करते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो क्रोम फिनिश देख रहे होंगे हेडलैम्प में, ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है। बताना चाहूँगा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm का मिल जाता है। कार्बोनेट का भी लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी बहुत मस्कुलर लुक दिखता है। तो मैंने आपको जैसे बताया ये ब्रेजा का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो काफ़ी अच्छा लुक आया है। तो चलिए इसमें आप क्लैडिंग की बात कर लेते हैं। जो इसमें क्लैडिंग दी है, जैसे ब्रेजा में आपने देखा होगा थोड़ी बड़ी साइज की क्लैडिंग है, तो इसमें नीचे ब्लैक कलर की आपको क्लैडिंग दी गई है जो काफ़ी थिन है, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो इसमें भी आपको ये लुक जम रहा है। ORBM है ना, इसमें ये आपको टर्न इंडिकेटर के दिए गए हैं, और ये आपको जो क्रोम दिख रही होगी वो भी आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। और हम लोग अगर देखें, देखिए इसमें रूप रेल दी गई है ऊपर, तो इसका जो व्यू है काफ़ी अच्छा आता है। और साथ में देखिए सनरूफ का ऊपर से कैसा व्यू दिख रहा है आपका, पैनोरामिक सनरूफ है ये, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आपको अंदर से आपको पता चलेगा लुक कितना अच्छा प्रीमियम लुक आता है। तो मैं आपको इसके अंदर जाके मैं आपको बताऊँगा। और ऊपर आपको देखिए सारोफिन एंटीना दिख रहा होगा, और ये आपको जो रेन वाइजर जो दिख रहे हैं ये भी आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। पेट्रोल टैंक मिल जाता है, वो 45 लीटर का मिल जाता है। और टायर की बात करें तो देखिए इसमें एलो व्हील्स का जो टायर का साइज मिल जाता है वो मिल जाता है 215/60 R17, मतलब ये 17 इंच के मिल जाते हैं, जो काफ़ी मस्कुलर लुक देते हैं। जो मैंने आपको बताया था ब्रेजा में आपको 16 इंच के टायर मिलते हैं, लेकिन इसमें ग्रैंड विटारा में 17 इंच के मिल जाते हैं, जो आपका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए हम इसका बैक लुक भी देख लेते हैं, बैक लुक में आपको कैसा दिखता है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर के आते हैं। तो रियर लुक की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें स्पॉइलर मिल जाता है, और स्पॉइलर के नीचे आपको मिल हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, और मैंने आपको शार्प एंटीना का तो बता ही दिया है। इससे आपको डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर भी मिल जाता है। तो काफ़ी फॉग टाइम में आपको, ठंड के टाइम में ये काफ़ी यूजफुल फीचर्स है। और ये जो आपको क्रोम फिनिश दिख रही है ना, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। और देखिए जो टेल लैंप है आपका, कनेक्टिंग टेल लैंप है जो आपको सुजुकी के लोगों में एंड हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया है LED टेल लैंप का, बहुत अच्छी लुक में आती है। और इसमें नीचे देखिए स्मार्ट हाइब्रिड का आपको लोगो मिल जाता है, ग्रैंड विटारा का इसमें बेजिंग मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, देखिए ये दिया गया है टर्न इंडिकेटर, साथ में ये रिवर्स जब आप लगाते हैं रिवर्स गियर तो उसका आपका लाइट है, और ये आपका रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। तो ये तीन जो दिए हैं ना, तो ये आपका दोनों साइड दिए गए हैं, तो इससे आपका ये लुक भी अच्छा आ जाता है। और रही बात जो रिवर्स कैमरा की, तो देखिए नंबर प्लेट के ऊपर आपको ये कैमरा मिल जाता है, जो 360 डिग्री कैमरे में भी हेल्प करता है। और इसमें चार सेंसर मिल जाते हैं, तो एक सेंसर ये है, एक सेंसर ये है, और जो दो सेंसर है वो बिल्कुल कॉर्नर पे। तो अगर कॉर्नर पे भी अगर आपको कोई चीज़ें हैं, अगर रिवर्स पार्किंग कर रहे हैं, तो आपको इजीली इसमें आपको इंडिकेट करेगा इंफोग्राफिक डिस्प्ले में। और नीचे आपको स्क्रीन प्लेट मिल जाती है, और इसमें भी जो क्रोम फिनिश है ये भी आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। ये पीछे से आपको ऐसी लुक देती है, काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है। और साइड से तो मैंने आपको बता ही दिया होगा साइड से कैसी दिख रही है।
और मैंने आपको रिवर्स कैमरा तो आपको बता ही दिया हूँ कि रिवर्स कैमरा पीछे लोकेट है, और आपको जो ORVM में भी जो बता देता हूँ कैसे फिक्स हुआ है, जो 360 डिग्री कैमरा में आपको मदद करता है। और आपको ये ग्रिल में आपको कैमरा मिल जाता है, ये देखिए, तो इससे आपको पूरा 360 डिग्री के कैमरा का पूरा व्यू मिलता है। ये देखिए देखिए इसमें एसी की मिल जाती है आपको। लुक की तो बात हो गई, चलिए आप इंटीरियर की बात कर लेते हैं। का जो डोर है वो ऐसा लुक दिखता है। इसमें देखो जो आपका ब्राउन कलर का जो आपका मटेरियल यूज किया गया है तो काफ़ी ब्लैक के साथ अच्छा दिखता है और काफ़ी सॉफ्ट टच है। और इसमें चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाते हैं, ORVM आपको इधर मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और ये ऑटो फोल्ड का भी बटन दिया गया है, अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑटो फोल्ड हो जाता है। और इसमें आपका ये जो डोर हैंडल है ना, इसमें क्रोम में मिल जाते हैं, तो ये ऐसा आपका डोर लुक मिल जाता है। और साथ में बात स्पेस की, तो इसमें एक 1 लीटर का आपका बोतल पानी आ जाता है, और इसमें थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है। और ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो ड्राइवर सीट का नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में आगे पीछे भी कर सकते हैं। और देखिए जो ड्राइवर सीट दिख रही है आपको, इस टाइप की दिखती है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और काफ़ी आपका ड्यूअल टोन कलर में है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है। तो चलिए डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं, डैशबोर्ड कैसे दिखता है। तो आपको देखो ये डैशबोर्ड इस टाइप का ड्यूअल टोन में दिख जाता है आपका, ब्लैक और ब्राउन में। और जो इसमें भी देखे लेदर यूज, जो मटेरियल यूज किया गया है वह काफ़ी सॉफ्ट है। तो चलिए सीट में बैठ के हम बता देते हैं कि क्या क्या आपको डैशबोर्ड में मिल जाता है। बैठ के जब ड्राइवर सीट में आप बैठेंगे तो ऐसा लुक आएगा। स्टॉप बटन यहाँ पे मिल जाता है, जो काफ़ी यूजफुल तो है। और यहाँ पे देखिए 360 डिग्री आपका कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हेडलैम्प का आपका एडजस्ट कर सकते हैं, पावर विंडो का तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे बता ही दिया हूँ। और यहाँ पे अगर आपका मीटर की बात करें तो देखिए यहाँ पे RPM मीटर मिल जाता है, उसके नीचे आपको जो इंजन कितना हीट है कितना नहीं है उसका आपका पता चल जाता है। और ये देखिए राइट साइड में जो आपको मीटर दिख रहा है वो स्पीडोमीटर है, आपका इसमें फ्यूल कैपेसिटी कितनी बची है उसका भी आपको पता चल जाता है। बीच में आपको डिस्प्ले MID का डिस्प्ले मिल जाता है, जो भी डोर है बीच में आपको क्या क्या डिस्प्ले दिखता है। तो देखिए स्मार्ट हाइब्रिड यूज की गई है, तो इसमें आपको पता चल जाता है कि मोटर और बैटरी कैसे काम कर रही है। और साथ में देखिए इसमें एवरेज का पता चलता है कि कितना एवरेज दे रही है गाड़ी आपका, देखिए पूरी रेंज बताता है और ड्राइविंग का टाइम बताएगा, आइडल स्टॉप का बताएगा, कितना फ्यूल सेव हो रहा है। वॉच ये आपको देखिए स्टेयरिंग दिख रहा होगा ना, सर्कुलर है पूरा, तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। और इसमें देखिए राइट साइड में आपको ये क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। तो ये देखिए ऐसा लुक आता है स्टेयरिंग का, टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों कर सकते हैं। ये राइट साइड में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। और देखिए 9 इंच का इसमें स्क्रीन मिल जाता है, तो काफ़ी वाइड है, तो देखने में आसानी होती है अगर कोई भी चीज़ को रीडिंग देखनी है तो काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको बैंड दिए जाते हैं AC के, हेजर्ड लाइट का ऑप्शन दिया गया है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। और नीचे आपको देखिए यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, इसको ऑफ कर सकते हैं। और नीचे आपको ये 12B का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे USB के सॉकेट मिल जाते हैं। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो आपको 5 गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है आपको सामान रखने का, और ये आपको ये हैंड ब्रेक दिया गया है। और देखिए इसमें आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, जो काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपका ये लॉन्ग ट्रिप में भी यूज हो सकता है। में थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाता है, इसमें आप अपनी कीस या जो भी आपको सामान रखना है रख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक जो आपका है ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, तो इसमें आप जो भी सामान है रख सकते हैं। और AC के बैंड के बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे इसमें दिए गए हैं, ये देखिए
अब हम देखिए सनवाइज़र देख लेते हैं। सनवाइज़र में देखिए आपको मिरर मिल जाते हैं जो नाइट में आपको ये लाइट यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनेटिंग है। और देखिए यहाँ बीच में भी आपको दो लैंप मिल जाते हैं जो काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं नाइट में। और यहाँ पे आपको दूसरा सनवाइज़र मिल जाता है, उसमें भी मिरर है और उसमें भी लाइट दी गई है। और देखिए आपको यहाँ पे बीच में सनग्लास होल्डर मिल जाता है, तो आप ये भी यूजफुल फीचर है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, IRVM दिए गए हैं जो डे और नाइट में दोनों में काम करते हैं, जो वो ये भी बहुत यूजफुल फीचर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी की ऐसी पहली गाड़ी है जिसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो कर्टेन दिया गया है। तो कर्टेन आप इसको पहले, इसमें नॉर्मली ऐसा बंद रहता है, जो आप सनरूफ ओपन करेंगे ना तो पहले आपका एक कर्टेन ओपन होता है। तो कर्टेन भी जो है ना पूरा लास्ट तक जाता है, देखिए आप। और फिर कर्टन ओपन होने के बाद फिर ये अपना जो सनरूफ है वो ओपन होता है। तो काफ़ी वाइड है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक आता है इससे, देख सकते हैं पूरा आप ओपन कर सकते हैं। तो बहुत स्पेस मिल जाता है, और इसको बंद करने के लिए आप वही सेम बटन यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। हाँ, और नॉर्मली आपको अगर ओपन करके रखना है तो ये जो बीच में आप प्रेस करेंगे तो ये आप ओपन बंद कर सकते हैं। तो देखिए हम चलो बंद कर देते हैं, तो बंद करने में ऐसा लुक आ रहा है। मैं आपको 360 डिग्री कैमरे के बारे में बता देता हूँ इसमें कैसा लुक आता है। तो देखिए 360 डिग्री का कैमरे का मैंने आपको बताया था एक बटन दिया गया है, तो देखिए इसमें ऐसा लुक आता है 360 डिग्री का। आपको ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई कैमरा लगा के देख रहा है कंपनी का। तो आपको पार्किंग लगाने में ये फुल फीचर से आजू बाजू देखने के लिए आप वाइड एंगल से देख सकते हैं। डे टाइम है तो तब दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैसे। और देखिए जो आपका को ड्राइवर सीट है ना, उसका विंडो, उसका जो जो डोर है ऐसा दिखता है, उसको पावर विंडो दिए गए हैं। उसमें भी ड्यूअल टच आपको मटेरियल यूज किया गया है, और इसमें देखिए ग्रैब हैंडल दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर सीट में दो एयरबैग तो मिलते हैं, और साथ में आपको साइड में भी एयरबैग मिल जाते हैं। तो टोटल आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर्स में से एक है। बताना चाहूँगा कि इसमें जो सेफ्टी फीचर्स में मिल जाते हैं ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, और बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं आपको। जो जैसे आपको मैंने बताया 6 एयरबैग मिल जाते हैं, साथ में आपको रियर सीट बेल्ट मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर के साथ ये ग्रैंड विटारा मार्केट में आई है। चलिए आप रियर सीट में जाके देख लेते हैं कि इसको इसमें कैसा स्पेस मिलता है। तो चलिए रियर सीट में जाते हैं। तो रियर सीट के आप डोर की बात करें तो देखिए इसमें भी पावर विंडो मिल जाते हैं, और हैंडल पे आपको क्रोम टच मिल जाता है। इसमें भी मटेरियल सेम यूज हुआ है, ब्राउन और ब्लैक जो कॉम्बिनेशन के साथ, और काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें भी आपको 1 लीटर पानी की बोतल रखने का जगह मिल जाती है, और साथ में आपको साउंड बॉक्स का भी जगह मिल जाता है। और अगर आप फ्रंट सीट में देखा नहीं होगा तो फ्रंट सीट का भी बता देता हूँ। फ्रंट सीट में आपको लुक कैसा आता है, उसमें भी आपको सेम मिल जाता है। रियर सीट देख लेते हैं कि कैसी दिखती है। तो रियर सीट में जो आपका, देखिए तीनों सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और स्पेशली इसमें देखिए सेकंड सीट में भी दिया गया है। तो अगर कोई आपका बच्चा बैठा है तो वो भी आप यूज कर सकता है। और इसमें देखिए कप होल्डर भी दिए गए हैं जो आर्म रेस्ट का भी काम करते हैं। तो देखिए आपका फेब्रिक अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी प्रीमियम लुक आ रहा है ब्राउन और ब्लैक के साथ। खास बात यह है मारुति सुजुकी की ये गाड़ी में, देखिए आपको तीनों सीट के लिए सीट बेल्ट दिए गए हैं, जो काफ़ी सेफ्टी फीचर्स में आ जाता है। तो मैं बैठ के बता देता हूँ कैसे कंफर्टेबल है ये सीट। तो देखिए इसमें आपको थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जा रहा है, और आराम से आपका दो से लेके तीन लोग भी आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है देखिए। देखिए आपका इसमें हेडरूम की बात रही तो ये हेडरूम भी मैं 5 फुट 11 इंच का हूँ, तो इसमें भी काफ़ी जगह बच रही है। तो ऐसा कोई कम्फर्टेबल आराम से आप बैठ पा रहे हैं। यहाँ पे जो बटन दी गई इससे आप थोड़ा सीट को आगे एडजस्ट कर सकते हैं। जो और सीट का जो मैंने आपको बताया ना, ये आप आराम से 60 और 40 में आप कर सकते हैं एडजस्ट। तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल इधर भी मिल जाते हैं, लैंप दोनों दोनों साइड मिल जाते हैं, में भी AC वेंट मिल जाते हैं।
इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और इसमें दो सॉकेट मिल जाते हैं, एक टाइप सी और एक आपको यूएसबी का सॉकेट मिल जाते हैं, जो काफ़ी यूजफुल है अगर लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं। बूट स्पेस देख लेते हैं इसमें कितना आपको बूट स्पेस मिलता है। तो देखिए बूट स्पेस में कितना मिल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको बूट स्पेस नॉर्मली 373 लीटर मिल जाता है, लेकिन जो ये तो आपका माइल्ड स्मार्ट बैटरी का, इसमें स्ट्रॉन्ग बैटरी रहेगी तो इसमें आपको फिर जाती है, तो इसमें कारण इस आपका जो बूट स्पेस है वो कम हो जाता है, तो आप 65 लीटर तक हो जाता है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो माइल्ड जो स्मार्ट हाइब्रिड जो बैटरी है वो कहाँ पे लोकेट हुई है। जैसे ब्रेजा में आपने देखा होगा ना जो को ड्राइवर सीट के नीचे है, तो वैसे ही यहाँ पे भी लोकेट हुई है, तो इसमें ये कवर रहा है, तो इसी कवर के अंदर है। और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो आपका जो है ना पीछे का बूट स्पेस वहाँ पर लोकेट हुई है। माइल्ड हाइब्रिड वाला जो वेरिएंट है इसमें अब बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप आराम से 3 से 4 ट्रॉली रख सकते हैं, और साथ में आपको ये बूट का लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे 12 भी सॉकेट मिल जाता है, और आप देखिए थोड़ा बहुत स्पेस लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में आपको दिख जाता है। तो एक्सेसरीज का पार्ट है, देखिए इसमें स्टेपनी में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो स्टेपनी में भी आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं सेम साइज़ के, देखिए 215/60/R17, तो ये काफ़ी लुक आता है स्टेपनी का, आप देख सकते हैं सेम साइज़ है तो अच्छी बात है। पार्सल ट्रे मिल जाती है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने लगेज के हिसाब से। हो गया, अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं, ये इंजन कितना दमदार है। तो ये देखिए इंजन जो बोनेट ओपन करने के लिए इसमें दिया गया है, और साथ में फ्यूल टैंक ओपन करने का इसमें दिया गया है, और साथ में आप क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर कैसे दिखते हैं, और साथ में आपको डमी पेडल दिया गया है। तो चलिए इंजन की बात कर लेते हैं, आपको इंजन का लुक दिख रहा होगा आपको, साथ में इंसुलेशन दिया गया है जिसमें आपकी बोनेट की आवाज़ आपकी बाहर ना आए। बता देता हूँ ये इंजन है आपका K15 है, BS6 है, और आपका इसमें 1.5 लीटर का सेम इंजन मिल जाता है जो आपको ब्रेजा 2022 में मिल रहा है। तो साथ में देखिए आपको बैटरी यहाँ पे दी गई है, तो काफ़ी अच्छा दमदार इंजन है। और मैं सोच रहा था कि जब ये ब्रेजा में सेम इंजन है तो आपका इसमें थोड़ा दबके चलेगी, लेकिन हम लोगों ने इसकी टेस्ट ड्राइविंग ली थी तो इसमें ऐसा कोई आपको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तब के नहीं चली, बहुत अच्छे से चली, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ब्रेजा और इसका सेम इंजन है, काफ़ी अच्छी चलती है ग्रिप बना। आपको बताना चाहूँगा जो ग्रैंड विटारा का जो अल्फा वेरिएंट है जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, इस जो आपका माइल्ड स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आया है, 15,39,000 शोरूम प्राइस है, और इसका जो मैं ऑन रोड प्राइस कितना आ रहा है मैं आपको स्क्रीन में डाल देता हूँ तो आप देख पाएंगे। ग्रैंड विटारा का अल्फा वेरिएंट का वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा वाले ब्रांच नेक्सा को जिन्होंने ये गाड़ी अवेलेबल कराई, कार अवेलेबल कराई और हमें वीडियो बनाने का मौका दिया। और मैं आगे भी अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग जो अपकमिंग कार्स हैं उसके वीडियो ज़रूर आपके पास लेके आऊँगा, तो आप हमारे वीडियो देखते हैं। शोरूम का इस ब्रांच का एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे वीडियो में ज़रूर डाल दूँगा, तो आप इस शोरूम में आके आप ज़रूर गाड़ी देखिए, आप टेस्ट राइड कीजिए। सभी वेरिएंट अवेलेबल हैं नॉर्मली, तो आपका डेल्टा वेरिएंट अवेलेबल है, आपका बीटा वेरिएंट अवेलेबल है, अल्फा वेरिएंट अवेलेबल है, आके आप टेस्ट ड्राइव लीजिए और आप गाड़ी भी बुक कर सकते हैं। नॉर्मली सिक्वा वेरिएंट की साइज 6 मंथ के ऊपर हो सकती है वेटिंग पीरियड, लेकिन जो दूसरे वेरिएंट है उसकी आपको शायद बहुत जल्दी मिल जाए। आप ये बानेर का जो नेक्सा का शोरूम है हाईवे के पास है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।